गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पिग आयरन, यानी कि पिग आयरन जो होता है उसको किस प्रकार बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज़ में लाए जाते हैं। तो मेनली पिग आयरन जो होता है उसको बनाने के लिए चार स्टेप्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन से है? सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर्स। दूसरा होता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ऑफ आयरन ओर्स। तीसरा स्टेप होता है साइनेटरिंग ऑफ आयरन ओर्स। और लास्ट होता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिग आयरन होता क्या है। तो किसी भी आयरन ओर से, यानी कि जो लोहा का अयस्क होता है, उससे सबसे पहले जो आयरन प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पिग आयरन। और पिग आयरन जो होता है उसे आगे चल के डिफरेंट प्रोसेस से माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रोट आयरन, इनमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले जो आयरन बनता है आयरन ओर से, यानी कि लोहे के अयस्क से, सबसे पहले आयरन हमें प्राप्त होता है अशुद्धियों को निकालने के बाद, वो कौन सा होता है, पिग आयरन होता है। तो पिग आयरन को निकालने के लिए चार प्रोसेस यूज़ की जाती है, जो कि ये है, ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर्स, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, साइनेटरिंग और स्मेल्टिंग। तो इनके बारे में चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर्स। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर आयरन ओर्स को सबसे पहले 2.5 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर इस पर लगे सभी अशुद्धियों को पानी से साफ कर लिया जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है, आपको नाम से पता लग रहा है, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, उसको तोड़ना। तो ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर्स में क्या किया जाता है, सबसे पहले जो लोहे का अयस्क होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। उन टुकड़ों का साइज कितना होता है, वो होता है लगभग 2.5 से 5 सेंटीमीटर के मध्य, और उसके बाद उन पर लगी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको साफ कर लिया जाता है। साफ करने के लिए क्या किया जाता है, उनको पानी से साफ कर लिया जाता है, जिससे कि जो हमें छोटे साइज के आयरन ओर्स जो होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं बिना अशुद्धियों वाले। नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसका नाम है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में आयरन ओर्स यानी कि लोहे के जो अयस्क होता है उसको भट्टी में डालकर कुछ मात्रा कोल के डालकर इन्हें गर्म किया जाता है, ताकि इसमें उपस्थित सभी अशुद्धियाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, मॉइस्चर जो होता है वो रिमूव हो जाए। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर हम जो भी हम लोहे का अयस्क होता है उसमें भट्टी कौन सी यूज़ में लेते हैं, तो इसमें ब्लास्ट फर्नेस भट्टी जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें ब्लास्ट फर्नेस जो भट्टी होती है उसमें लोहे के जो अयस्क जो आयरन ओर्स हमने 2.5 से 5 सेंटीमीटर के मध्य जो तोड़े थे उनको उसमें डाला जाता है, थोड़ी मात्रा कोल की डाली जाती है और उसे गर्म किया जाता है। गर्म किस लिए किया जाता है, जो हमने अभी पानी से धोया था आयरन ओर्स को, उनमें जो मॉइस्चर जो उसमें थोड़ा बहुत रह गया वो सारा रिमूव हो जाए। उसमें इसके अलावा जो भी अशुद्धि है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की है या फिर सल्फेट की या फिर और दूसरी कोई अशुद्धि है वो सारी रिमूव हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सिंपली कोल की मात्रा डालकर पिग आयरन को गर्म किया जाता है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस जो होता है, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर मेनली क्या किया जाता है, अगर आयरन ओर्स जो है हमने उसे पाउडर फॉर्म में बदल लिया गया है तो हम इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे, वरना ये प्रोसेस जो होती है स्किप हो सकती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, जो भी हमने पाउडर फॉर्म में आयरन ओर्स प्राप्त किया है उसे एक सीव होती है, नहीं छलनी, उससे छानते हैं और नीचे से हवा प्रोवाइड करते हैं तेज, जिससे क्या होता है कि उसमें उपस्थित मेनली सल्फर जो होते हैं उसको रिमूव कर देता है इस प्रोसेस के अंदर। और लास्ट प्रोसेस जो होती है उसका नाम होता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर्स। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में आयरन ओर्स जो होता है उसमें उपस्थित कार्बन की जो मात्रा होती है उसको कम किया जाता है, और उसको कम करने के लिए कौन सी भट्टी का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए ब्लास्ट फर्नेस भट्टी जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में पूछ लिया गया है। इसमें पिग आयरन बनाते समय मुख्य तत्व जो होता है वो तीन मुख्य तत्व होते हैं, आयरन, कोल, लाइम का उपयोग किया जाता है, जिसमें आयरन ओर्स जो होते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है, लगभग 60%, कोल की मात्रा कितनी होती है 25%, और लाइम की मात्रा कितनी होती है लगभग 15%। इन तीनों क्वांटिटी को लेकर ब्लास्ट फर्नेस भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस में 1 टन अगर हमें पिग आयरन प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें 2 टन आयरन ओर्स की आवश्यकता होगी, 0.9 टन कोल की आवश्यकता होगी और 0.4 टन लाइम की आवश्यकता होगा। यानी कि इन चारों को जब हम मिक्स करके ब्लास्ट फर्नेस भट्टी के अंदर गर्म करेंगे तो हमें 1 टन क्वांटिटी में क्या प्राप्त होगा, पिग आयरन प्राप्त होगा। इन तीनों को भट्टी में गर्म किया जाता है जब तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कितना होता है, 1550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो लोहा जो होता है वो बॉटम में सेटल हो जाता है तथा अशुद्धि जो होती है ऊपर आ जाती है। यहाँ पर जो अशुद्धि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे स्लैग के नाम से जाना जाता है, और इसका उपयोग जो होता है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट होती है उसको बनाने के लिए किया जाता है, या फिर स्लैग सीमेंट के नाम से भी जिसे जाना जाता है उसको बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि स्लैग जो होता है वो कौन कौन से, वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो स्लैग जो होता है उसमें मेनली तीन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले होता है सिलिका, सिलिका की क्वांटिटी जो होती है वो कितनी होती है, 35%। लाइम जो होता है उसकी क्वांटिटी होती है 45%, और लास्ट एलुमिना जो होता है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, एलुमिना की क्वांटिटी होती है 12%। तो इन तीनों यानी कि सिलिका, लाइम और एलुमिना को मिलाकर क्या बनता है, स्लैग बनता है। तो इनकी क्वांटिटी आप ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार कंपटीशन में पूछा हुआ है। और लास्ट बात करते हैं
ब्लास्ट फर्नेस से जो हमें पिग आयरन प्राप्त होता है उसमें कौन कौन से इसके अलावा भी कंटेंट उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले बात करें आयरन, तो ब्लास्ट फर्नेस जो हमें पिग आयरन प्राप्त हो रहा है उसमें आयरन की परसेंटेज जो होती है वो लगभग 92 से 94% के मध्य होती है। कार्बन जो होता है उसकी मात्रा होती है 2 से 5% के मध्य। सिलिका जो होता है उसकी मात्रा होती है 1.3% के मध्य। और मैग्नीशिया जो होता है वो कितना होता है, लगभग 1.2% के मध्य। यहाँ पर जो इन सारी क्वांटिटी, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की बात करें तो वो कौन सी है, वो है कार्बन। क्योंकि कोई भी स्टील या फिर आयरन है अगर उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, अगर उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ रही है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, तो उस कार्बन तो उस स्टील की स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है, लेकिन जो उसकी डक्टिलिटी है यानी कि जो तन्यता है वो घट जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो आयरन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, वो होती है कार्बन की। क्योंकि कार्बन की अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन डक्टिलिटी यानी कि तन्यता का जो गुण होता है मेटेरियल का वो कम हो जाएगा। तो गाइस ये बात हो रही है मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पिग आयरन की, जिसमें हमने 4 स्टेप में इसको मैनुफैक्चर किया था। सबसे पहला स्टेप जो है ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर्स, इसके अंदर क्या करते हैं हम जो भी अयस्क होता है लोहे का उसे 2.5 से 5 सेंटीमीटर टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और उसे पानी से साफ कर लिया जाता है, जिससे कि सारी अशुद्धियाँ वो साफ हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आयरन ओर्स टुकड़ों में टूटा हुआ है उसको हम भट्टी में डालकर थोड़ी मात्रा कोल के डालकर गर्म करते हैं, जिससे कि इसमें से जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर सल्फेट है, जो भी अशुद्धि है वो सारी रिमूव हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है साइनेटरिंग ऑफ आयरन ओर्स। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर कोई आयरन, अगर ये पिग आयरन जो है वो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या करते हैं, एक सीव से पास कराते हैं और उसके नीचे से क्या करते हैं, तेज हवा प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसमें सल्फर जो होता है वो मेनली रिमूव हो जाता है। और लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर्स। इसके अंदर क्या करते हैं, कार्बन की मात्रा जो होती है उसको कम करते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है वो स्टील की प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस प्रोसेस में हम कौन सी भट्टी का यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस में हम ब्लास्ट फर्नेस भट्टी का यूज़ करते हैं, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस में हम कौन क्या क्या मटेरियल डालते हैं, उसमें डालते हैं हम कोल, लाइम और आयरन। इसमें आयरन ओर्स जो होता है उसकी मात्रा होती है लगभग 60%, कोल होता है 25% और लाइम जो होता है 15% होता है। अगर हमें इस फर्नेस से 1 टन पिग आयरन प्राप्त करना है तो हमें इस भट्टी के अंदर 2 टन आयरन ओर्स डालना पड़ेगा, 0.9 टन कोल की आवश्यकता पड़ेगी और 0.4 टन लाइम की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये तीनों को मिला के हम गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 1550 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें गर्म किया जाता है, तो जो लोहा होता है शुद्ध लोहा वो बॉटम में सेटल हो जाता है तथा जो अशुद्धियाँ होती है वो ऊपर जम जाती है, जिसे हम स्लैग के नाम से जानते हैं। और इस स्लैग का उपयोग जो होता है वो सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, स्लैग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। और लास्ट में हमने बात की थी स्लैग, तो स्लैग जो होता है मेनली 3 कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सबसे पहला आता है सिलिका, इसकी मात्रा होती है 35%, लाइम इसकी मात्रा होती है 45% और एलुमिना जो होती है इसकी मात्रा होती है 12%। इसके बाद हमने देखा था कि ब्लास्ट फर्नेस जो होता है उसमें पिग आयरन के साथ साथ कुछ और कंपाउंड भी उपस्थित होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है आयरन, इसकी मात्रा होती है 92 से 94%, फिर होता है कार्बन, इसकी मात्रा होती है 2 से 5% के मध्य, सिलिका होता है 1 से 3% और मैग्नीशिया होता है 1.2%। तो ये सारी क्वांटिटी हमें पिग आयरन में प्राप्त होती है। तो आई होप गाइस आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पिग आयरन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो।